बेहतरीन मैच चल रहा है। रयान इंटरनेशनल स्कूल और एमिटी स्कूल नोएडा के बीच में ये मैच चल रहा है। बहुत ही शानदार मैच है गर्ल्स का। अंडर 14 कैटेगरी के ये मैच चल रहे हैं। और ये पास दिया बहुत ही बेहतरीन 14 नंबर गर्ल्स ने। ट्राई की शॉट की लेकिन शॉट अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल शॉट एमिटी स्कूल की तरफ से कन्वर्जन बास्केट। अभी वन शॉट काउंट प्लस वन शॉट फाउल की वजह से बास्केट भी काउंट माना गया और वन शॉट मिला। अभी देखना होगा कि वन शॉट कन्वर्ट होता है कि नहीं। और ये शॉट अनसक्सेसफुल हुआ। अभी रियान के हैंड ओवर की है बॉल रेफरी ने। बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हुए रियान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। और एमिटी के स्टूडेंट ने बॉल को उठाया और फाउल। टू शॉट मिले हैं एमिटी स्कूल के स्टूडेंट्स को। टू शॉट मिले हैं वन शॉट मिस। अभी देखना होगा नेक्स्ट शॉट जाएगा कि नहीं जाएगा। ये भी अनसक्सेसफुल हुआ और रियान के हैंड में बॉल आ गई। और ये बहुत ही अच्छा रिबाउंड और जाते हैं। रियान के स्टूडेंट ने शॉट लगाया लेकिन मिस हुआ। बैड लक। और ये टाइम आवर हो गया है ये क्वार्टर का। ये सभी स्टूडेंट जो हैं ये एमिटी के हैं नोएडा, और जो ये रेड और ब्लू फॉर्म में हैं तो ये हरियाणा इंटरनेशनल स्कूल है नोएडा से। तो ये क्वार्टर समाप्त हुआ। और ये एमिटी स्कूल के कोच गर्ल्स टीम को लीड करते हुए। आप मैच का एंजॉय ले सकते हैं। पास। बहुत ही अच्छा शॉट एमबीटी की तरफ से। टू बास्केट मिलेगा। बॉल मिलेगा। आ जा बॉल के पास। आ समय ना आ गया। आ गया बेटा आ गया। तन्वी गो। ट्राई किया शॉट अनसक्सेसफुल। और ये रिबाउंड लेके एमबीटी स्कूल के स्टूडेंट जाती हुई। और ये अटेम्प्ट ट्राई किया मिस हुआ। दोबारा ट्राई किया और शॉट कन्वर्ट हो गया। और एक कॉमन बॉल का इशारा रेफरी की तरफ से। ये देखना होगा किसको कन्वर्जन बास्केट, किस साइड एरो है। तो एरो के हिसाब से बॉल पोजीशन है। डिफेंस ए तन्वी पकड़ के और ये एमिटी स्कूल के स्टूडेंट ने पास किया। रियान के हैंड में बॉल आ गई और रियान टीम की गर्ल्स बॉल को ले जाते हुए। और ये फाउल की वजह से बीच में मैच रोक लिया गया। अब ट्राई किया और फाउल। और ये एमिटी की तरफ से चेंज लिया गया है। चेंज दे दो। कमाएगा चेंज। ओए आना चेंज। जाओ जाओ दोनों जाओ। जाओ बेटा। और एमिटी में दो चेंज लिए गए हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ स्कोरिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोच ने डिसीजन लिया है। बहुत ही अच्छा। और ये रियान को टू शॉट मिले हैं फाउल की वजह से। एक शॉट अनसक्सेसफुल हुआ।
सेकंड शॉट के लिए प्लेयर रेडी है। वन शॉट बॉल इन प्ले, कई सारा रेफरी की तरफ से, और ये एक शॉट कन्वर्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छा जानदार शानदार मैच चल रहा है। वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। बहुत ही अच्छा शानदार मैच करते हुए बॉल को पास किया। गुड गोइंग, पास आउट, पास आउट, देन वी गो योर लेफ्ट साइड। अरे दिस इज योर लेफ्ट साइड, गुड गोइंग बेटा, गुड गोइंग, पास तन्वी लेफ्ट, तन्वी की बच्ची। बहुत ही अच्छी ट्राई चल रही है और यहां से सक्सेसफुल हुआ। शूट अगेन, तू वहां खड़ी थी, तू वहां खड़ी थी। गो 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 गो, हे अरे लाइसा यार, बॉल आ रहा है ऐसे कर रहा है, किसने कर दिया वहां पे अपनी बोले। अभी भी अकेले खड़ी हुई है। रिबाउंड रिबाउंड रिबाउंड, और ये शॉट, थ्री पॉइंटर शॉट, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन। लगा लगा, आराम से लगा, फिर से लगा, अगेन ट्राई। लास्ट 10 सेकंड का इशारा हो गया है, टाइम बहुत कम है और टाइम आउट रियान की तरफ से, हम टाइम आउट लिया गया है। रेफरी का इशारा, 4-7 का स्कोर हुआ है, 7 एमिटी के हैं और 4 यानी इंटरनेशनल स्कूल के। गर्ल्स का बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है, JBM ग्लोबल स्कूल की तरफ से ये कार्निवल किया गया है। 22 कार्निवल ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है JBM स्कूल नोएडा की तरफ से। तो ये आप बहुत ही भव्य नज़ारा देख सकते हैं, साथ में बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स और ये ग्रीन फील्ड भी है, और ये मैच का व्यू बहुत ही जानदार और शानदार मैच चल रहा है। कैसे फंडामेंटल एक्टिविटी को और अच्छे से ध्यान सीख कर हम मैच का एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड कोर्ट पे मैच चल रहा है, वो भी आपको जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। रेफरी की तरफ से टाइम आउट का इशारा, और ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है। अभी MET और रियान इंटरनेशनल दोनों टीमें रेडी हैं। आराम से लगा लगा लगा, और ये थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो गया है। थर्ड क्वार्टर बहुत ही बढ़िया मैच, दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन के साथ, और ये रेफरी का इशारा कर रही है वहां पे। अभी रियान के हाथ में बॉल और ये लेफ्ट शॉट के लिए जाते हुए, लेकिन बहुत ही जबरदस्त करते हुए ट्राई करते हुए देखते हैं कि बॉल लगेगा कि नहीं, लेकिन बॉल कन्वर्ट नहीं हुआ। दोबारा से ट्राई करते हुए फिर मिस हुआ, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। कोचेज भी बार बार बॉल बॉल कर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन शॉट नहीं। और ये बैकवर्ड रेफरी की तरफ से, पूरे रियान की तरफ से चेंज का इशारा है। कोचेज ने बोला चेंज चाहिए, तो टेबल ऑफिशियल ने इशारा किया चेंज आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेहतरीन मैच आप देख सकते हैं। गो 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 गो, दोबारा से स्टार्ट हो चुका है मैच। पास पास पास, थर्ड क्वार्टर का सेशन चालू हो रहा है, और ये कोशिश थी बहुत अच्छी लेकिन शॉट नहीं लग पाया। अब दोबारा से रियान के हैंड में बॉल हो रही है, ट्राई किया लेकिन बॉल बोर्ड के बाहर लगी। कोशिश जारी है मिट्टी की तरफ से, बार बार कोशिश करते रहें और ट्राई करने से ही बॉल सक्सेसफुल होगा। और ये शॉट मिस हुआ दोबारा, अगेन ट्राई, और ये बॉल कन्वर्ट हुआ, बहुत ही अच्छा बेहतरीन। बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है।
रियान इंटरनेशनल और एमिटी नोएडा की जो टीमें हैं दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छे मैच खेल रही हैं। तो रेफरी की तरफ से सारा फाउल का चेंज 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 बोलो तीनों को बोलो मैं आ जाओ और सानवी सिंह चेंज निशिका चेंज जल्दी आओ और ये मैच स्टार्ट रिबाउंड पकड़ना है टू फ्री थ्रो गाइस सारा रेफरी की तरफ बोल नहीं था गो गो योर लेफ्ट साइड गो कंटिन्यू शूट शूट लगा ऊपर लगा और ये रेफरी का बहुत ही अच्छा दोनों कोचेज बता रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो उसे सुधारो हाथ रखे चल रही है यहाँ पे ये जो है मिठी की तरफ से कोच अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं उनको गलतियों के बारे में रूबरू करा रहे हैं और ये रैफ की तरफ से फाउल का इशारा और टू शॉट देखना होगा कि टू शॉट कन्वर्ट होते हैं कि नहीं एक शॉट मिस हुआ वन शॉट बॉलिंग प्ले का इशारा रेफरी की तरफ से गुड शॉट पकड़ बॉल लेकिन ये भी शॉट अनसक्सेसफुल आ जा बाहर हां बाहर आ जा पास आउट पकड़ जम करके पकड़ दोबारा से ट्राई करते हुए एमिटी की स्टूडेंट बहुत ही अच्छी ट्राई वॉली बॉल मांगो बॉल को वापस अपने कब्जे में लिया बॉल को ए पास वॉली पास गुड पास से ट्राई करते हुए मिट्टी के स्टूडेंट और ये शॉट करने की कोशिश और ये टू शॉट कन्वर्ट बहुत ही अच्छा शॉट बहुत ही बेहतरीन मैच ये चल रहा है एमिटी और रियान इंटरनेशनल गर्ल्स का मैच थर्ड क्वार्टर समाप्त हुआ आप कमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं कि मैच कैसा आपको लग रहा है थैंक यू फ्रेंड्स थर्ड क्वार्टर के साथ मिलते हैं फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है अब फोर्थ क्वार्टर में तो डिसाइड हो जाएगा कि कौन टीम अच्छी है वो किसने बहुत ही जोश के साथ दोनों टीमों के कोचेज काफी जोश और उत्साह के साथ मैच को देखते हुए बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं क्राउड भी बहुत अच्छा है ऊपर से नीचे कन्वर्ट हुआ बास्केट आगे राइट हैंड पे आ उसके अबे राइट हैंड पे लड़की बहुत ही अच्छा उसके साथ यहाँ मीटिंग स्टूडेंट ने ट्राई किया लेकिन अनसक्सेसफुल हुआ याद लेफ्ट लगना चाहिए रुक जाते वहाँ बीच में अगर बार मिल गया गो 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 बहुत ही बेहतरीन और ये एमिटी के स्टूडेंट मोटिवेट करते हुए अपनी टीम को ये वो आपको रेड और ब्लू ब्लू में दिखाई दे रहा था कि ये 25-7 ये सफरियानी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट है जो ब्लैक जो इसमें आपको दिखाई दे रही है एमिटी के स्टूडेंट है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप देख सकते हैं मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है गर्ल्स के बीच में कॉम्पिटिशन और ट्राई करते हुए हरियाणा स्कूल के स्टूडेंट वो बहुत ही अच्छा ट्राई लेकर बॉल मिस हुआ और रिबाउंड बहुत ही बेहतरीन दोबारा से ट्राई करते हुए और टाइम के साथ यूटिलाइज कर और करते हुए बास्केट कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी बहुत ही बढ़िया शॉट के साथ कन्वर्जन काफी अच्छा रोमांचक मैच चल रहा है और
चुके हैं टेबल की तरफ से चेंज गाइस आ पांचों बारह जो जाओ ना पांचों को चेंज और ये अच्छा स्कोर होने की वजह से एमईटी के कोचेज ने सभी बच्चों को चेंज करने की कोशिश की है ताकि दूसरे बच्चों को मौका मिल सके और ये पांचों प्लेयर चेंज कर दिए हैं। रैप को बताया गया कि हमारे पांचों प्लेयर चेंज हो गए टेबल से ये सारा हो चुका है तो अभी ये जो एमईटी में नए पांचों प्लेयर हैं बहुत ही अच्छा मैच दे सकते हैं दोबारा से ट्राई कर और ये रियान इंटरनेशनल बहुत ही बेहतरीन मिशिका गो ए सामने रसिया बहुत ही बढ़िया और ये लास्ट टाइम चल रहा है बहुत ही अच्छा शॉट बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी टाइम अप हुआ मैच की समाप्ति और इसमें जीत गया है एमईटी स्कूल नोएडा इनर टीम है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ये रियान इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट है और ये एमईटी की स्टूडेंट है बहुत ही बेहतरीन मैच है।